हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स होम सेफ सारिका। आज मैं बना रही हूँ 5 फ्लेवर्ड मिष्टी दही, जो कलकत्ता का बहुत ही फेमस डिज़र्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर मिल्क को, फुल फैट मिल्क को बॉयल करेंगे। अच्छे से चलाते हुए बॉयल करेंगे, इसमें कोई ऊपर से मलाई नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करके 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। फिर हम फ्लेवर्ड के लिए लेंगे 1 चीकू, जिसको मैंने काट लिया है छीलकर, ड्राई फ्रूट लिया है, काजू, पिस्ता, बादाम, उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एकदम बारीक। फिर पाइनएप्पल को हम पेस्ट बनाएंगे, पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पेस्ट बनाना है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी का भी पेस्ट बना लेंगे हम। सारे पेस्ट हमने बना लिए हैं, चीकू, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड ड्राई फ्रूट। देखिए दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अगर 4 कप मिल्क है तो उसको हमें 3 कप करना है। फिर इसमें 1/3 कप पाउडर शुगर डाल देंगे, आप वैसे भी शुगर डाल सकती हैं, शुगर थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी शुगर बनाना है। दही को हम छनने के लिए रख देंगे, कर्ड गाढ़ा ताकि निकले हमारा, और थोड़े से दूध में केसर को भिगा देंगे। 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर लेंगे एक पैन में और उसको ऐसे ही मेल्ट होने देंगे, कैरेमलाइज करना है हमको। आप वैसे भी शक्कर ले सकते हैं, पाउडर शुगर जल्दी हो जाता है। देखिए कैरेमलाइज हो गया है, तो हम अपने चीकू के पेस्ट को उसमें डाल दिए और मिक्स करके इसको निकाल लेंगे। दूध में इसको मिलाकर एक पैन में डाल लेंगे जिसमें हमें कर्ड जमाना है। फिर हमने 1 टेबल स्पून शुगर लिया और उसको कैरेमलाइज किया और उसमें ड्राई फ्रूट डाला, उसको भी मिक्स कर लिया और मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स करके जिसमें हमें दही जमाना है उसमें निकाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। केसर का दूध भी डाल देंगे इसी में हम, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठंडी ठंडी मिष्टी दही आप दीजिए, बहुत पसंद आएगा सबको। कर्डमम पाउडर डाल देंगे टेस्ट के लिए, फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे। क्ले पॉट दही के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसमें जमाइए, उसका टेक्सचर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर स्ट्रॉबेरी को भी हमने गर्म कर लिया था, लेकिन उसमें एकदम ठंडा दूध डालेंगे, नहीं तो वो फट सकता है क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी होती है। दोनों को हम ठंडा करने के बाद ही मिलाएंगे, बिल्कुल बॉयल नहीं करेंगे, एकदम ठंडा दूध डालेंगे उसमें, नहीं तो वो फट सकता है। और एक पैन में निकाल लेंगे। फिर उसी तरह मैंने शुगर कैरेमलाइज किया और उसमें ऐसे ही मिल्क को डाल दिया, और देखिए मिल्क हमारा एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा। और पाइनएप्पल को हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे ही ठंडा दूध में मिला देना है और बर्तन में डाल देना है। मिष्टी दही क्लासिक बनाने के लिए थोड़ा शुगर ज़्यादा लेंगे और उसको कैरेमलाइज करके मिल्क उसमें डाल देंगे, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। इसका फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा आता है, कैरेमलाइज शुगर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिल्क के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी एक बर्तन में डाल लेंगे। देखिए हमने सारे फ्लेवर का मिल्क बना लिया है, दही मेरा गाढ़ा निकल आया है, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और फिर सारे बर्तन में हम उसको एक एक स्पून डाल देंगे। मिल्क हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सा माइल्ड गर्म हो, बस 1-1 स्पून सब में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको। ऐसे और कोई भी फ्लेवर की आप मिष्टी दही बना सकती हैं, बस याद रहे खट्टे फलों को ठंडे दूध में मिलाना है,
फिर उसको ऊपर से फॉइल पेपर से हम रैप कर देंगे ताकि हमारी दही अच्छी और गाढ़ी तैयार हो। और एक बात है, जिस तरह का दही हम जमने के लिए डालते हैं वैसा ही दही हमारा तैयार होता है, इसलिए हम प्लीज़ आप गाढ़ी दही डालिए जमने के लिए। इसको आप माइक्रोवेव में ऐसे ही रख सकती हैं जमने के लिए, नहीं तो ऊपर से कोई मोटा टॉवल डालकर 10 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए, दही हमारी सेट हो जाएगी अच्छे से। फिर हम इसे 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख के ठंडी कर लेंगे। हमारी 5 फ्लेवर मिष्टी दही तैयार हो गई है। ऊपर से आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने काजू बादाम पिस्ता कट कर लिया है और ऊपर से डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी ये दही तैयार होती है। ठंडी ठंडी दही बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप बनाइए ड्राई फ्रूट मिष्टी दही, बहुत अच्छी फ्लेवर आते हैं इसके, आप बना के देखिए। चिक्कू दही बहुत ही टेस्टी रहती है और हेल्दी भी रहती है। इन गर्मियों में आप ठंडी ठंडी दही बच्चों को सर्व कीजिए, बच्चे रोज़ खाएंगे, इसी बहाने फ्रूट भी जाएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।